इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक ही बात सभी संत महापुरुष गण कहते हैं, सभी संत महापुरुष गण, माया मुक्त होइए, मोह से बचिए। इसकी केवल यही दवा है, मैं नहीं प्रभु, मेरा नहीं परमात्मा का, मैं मेरा मोह। साथ साथ खेलने वाले भाई मैं के चक्कर में उलझ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, धरती यहीं रहती है और सब लोग चले जाते हैं। बहुत कड़वी बात, बहुत दिन पहले एक बात कही थी, अनाधिकार प्राप्त करके उसका कोई सुख नहीं भोग सकता है। अनाधिकार, भरत भैया अनजाने में नहीं कह रहे हैं, मोही राज हठ देई हउ जब ही रसा रसातल जाई ही तब ही। भरत भैया जानते हैं कि अयोध्या जी के राज सिंहासन का संकल्प पूज्य पिताजी बड़े भैया के निमित्त कर गए, इसलिए मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो अनाधिकार माने वचन मांगा। यह संपत्ति किसकी है? संपत्ति सब रघुपति के आही। इतने तो बात है, आए देने और काए देने है? संपत्ति सब रघुपति के आही आहे। श्रीवत की संपत्ति किसकी? आ तो भगवान की, हमारी नहीं। अनाधिकार नहीं, अनाधिकार जो भी संपदा हरण करने का यत्न करेगा, जीवन भर कचहरी का चक्कर लगाते लगाते ऊपर ही पड़ेगा, जिसकी है अंत में उसी को प्राप्त हो। करे रहो, कागज बदलते रहो, हेरा फेरी, स्टाम्प पेपर, दुकान, फोटो इधर का उधर, कुछ होना नहीं। जो जिसका है उसको प्राप्त होगा। 14 वर्ष बाद सरकार हमारे आए, राज तिलक भया। मोह और माया कुछ नहीं छोड़ाना, केवल समझ तो जाना है। मां शिशु बाल लीला में इतना रस में आ गई, मेरे प्रभु ने एक बार मां को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। दिखरावा मां तहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला कोटि कोटि ब्रह, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मही, काल कर्म गुण ज्ञान सुभा सो देखा जो सुना। माया देखी माने, माया जो जीव को नचाती है, भक्ति का दर्शन भया जो जीव को माया से बचाती है। केवल भक्ति समझ में आ जाए हो, भक्ति के प्रकार सुन लीजिए। प्रभु कहते हैं सरकार के श्रीमुख वचन कितने अलौकिक, और जहां एक बात वही अनेक बात। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करहि कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यहाँ तक करना है, आगे की भक्ति होना है, करना नहीं है क्या? देखिए, छठ दम शीरल विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म,
सातों सम मुहि मय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपने हुनई देखई परिदोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसै हर सन दीना नवम वे कहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर आसोयतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे आसोयतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे नव महु एकौ जिनके होई। पहली भक्ति संत संग, दूसरी कथा में प्रेम रति, कथा प्रेम, गुरुदेव भगवान की सेवा मान त्याग कर अमान भाव रखते हुए गुरु जी की जय। कोई कहे गुरु जी की जय, अपनी नहीं गुरु महाराज की जय, ये महामंत्र है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अमान भाव रखते हुए। चौथी भक्ति मेरे गुण गण का निष्कपट भाव से गान। पांचम मंत्र जाप विश्वास पूर्वक। छठवां अरे इंद्र निग्रहित भाव रखते हुए, अरे छठ दम शील बहुत कर्मों से विरक्ति, एक कर्म क्या सज्जन धर्म में रति, जो विभीषण जी करते हर हाल में भगवत भजन। सातम समता, समदृष्टि, समभाव। आठम सतमार्ग से चलते हुए जो मिले यथा लाभ संतोष धर्म, प्रदोष दर्शन का निषेध। नौवां सरलता, एक भी आ गई तो हम भक्त हैं। प्रभु के श्रीमुख वचन है नवम सरल के बाद नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष कोई नहीं, एक कोई करिए। देखिए कि हम कौन कर पा रहे हैं, हमसे कौन बन पा रही है, वही करिए बस। वो भक्ति, वही एक भक्ति हमको माया से छुड़ा लेगी। एक लग जाए लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाए। और किसी भक्त को कलेश हो ना, कष्ट हो तो बुरा न माने। भगत जी को जब तक कलेश न होगा तब तक ये माने कि हम भगत नहीं हैं, क्योंकि कष्ट आएगा ही तब जब आप भगत होंगे। भगत होते ही त्रास देने वाले कोई न कोई जीव भगवान भेज देते हैं जिसे आप तप सको। आप कोई भक्त बताइए जिसको लोगों ने तपाया न हो, है कोई? बिना तपाए कोई भगत भया है क्या? भक्तराज प्रहलाद जी के पिताजी तो पहाड़े से गिराए दिए थे, घुड़साल में फेंकवाई दिए, लेकिन रक्षा तो सरकार को करनी। हम भक्त हैं अर्थात कठोर भाव आएगा जिससे हमारी भजन की निष्ठा को दृढ़ता प्राप्त हो। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का एक पद है, दुखों से जो ठोकर खाई न होती
तो तुम्हारी प्रभु याद आई न हो, ये व्यवहार है। और हमारी निष्ठा दृढ़ होती है, निष्ठा को दृढ़ता प्राप्त होती है। चलिए भक्ति दर्शन भैया, मां को जो जीव को माया से बचाती है, शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्र में मधुर अश्रु आ गए, मां थरथरा गई, नेत्र बंद, जो न देख सकी आंखें वो दिखाई पड़े तो अपने आप बंद हो जाती। मां के नेत्र बंद हो गए, बार बार मैया सरकार के सिर चरणों में माथ नवाती है। अस्तु विषमयवंत देखि महतारी भये बहुरी शिशुरूप खरा। भगवान शिशु रूप में आ गए। माँ इतनी डर गई हैं, भगवान की प्रशंसा भी नहीं कर पा रही। प्रभु आपका ऐसा अलौकिक स्वरूप देखा, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। अस्तुत कर न जाए भय मान, क्यों? जगत के पिता को मैंने पुत्र जाना, हाँ जानना ही चाहिए ना। देखो मैं कथाओं में स्मरण कराता हूं कि सबसे बड़ा हुआ जाता है मां से नहीं, मां अपने बच्चे को सदैव छोटा ही मानती है। क्यों? कि मां ने तुम्हें नंगू नहलाया है, नंगू खिलाया है, देखा है, तुम्हें पैपान करके बड़ा किया है, इसलिए सबसे सिंह गर्जना ठीक, परंतु मां के साथ यह उदंडता कदापि अच्छी नहीं। मां के सन्मुख छोटे ही बने रहो, मां से बड़ा नहीं हुआ जाता है। महात्माओं से सुना है, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण बहुत उदंडता करते थे तो मां वो रस्सी दिखा देती थी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।